So, okay, everyone, welcome back to our YouTube channel, Father and Son. And very, very good morning, आप सबको मेरे और मेरे पापा की तरफ से. And आज के वीडियो में मैं और मेरे पापा आपको बताने वाले हैं एक ऐसा शिव मंदिर जहां आप एक ही बार में 1008 शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हो. और ये मंदिर आया है ऐना गांव में. तो बिना कोई वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो आज मैं और मेरे पापा कुछ मॉर्निंग में 7 o'clock को हम हमारे घर से निकल चुके थे हमारी आज की ट्रिप के लिए. तो आज हम फिर से दर्शन करने जा रहे हैं एक और शिव मंदिर के जो आया है ऐना गांव में. और ऐना गांव कुछ सूरत से 30 kilometers की दूरी पे है. और अगर आप नवसारी से हो तो नवसारी से ऐना गांव 25 kilometers की दूरी पे है. और अगर आप बारडोली से हो तो बारडोली से ऐना गांव सिर्फ 11 kilometers की दूरी पे है. तो आज का वेदर काफ़ी प्यारा था. और हाँ, सूरत में ठंडियों की शुरुआत हो चुकी है. यानी हमको आज बहुत ठंडी लग रही थी ये गाड़ी चलाते समय. दूसरी बार से जैकेट पहन के निकले गए इतनी सुबह निकले हैं. तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या ये हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए. तो अभी हम ऐना गांव में एंटर हो चुके हैं. एंड मैं आप सभी को एक बात बता दूं, ये ऐना गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो सब NRI है. सो केविन, अभी हम आ चुके हैं ऐना गांव और एक और महादेव का मंदिर जिसका नाम है रुन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर. तो ये पीछे है मंदिर. एंड अभी हम अंदर एंटर करेंगे एंड आपको महादेव जी के दर्शन करवाएंगे. एंड हम भी मैं यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ. पापा, आपने कभी विजिट किया है यहाँ पे? 2-3 बार आया हुआ मैं. और काफ़ी अद्भुत मंदिर है और अलौकिक मंदिर है ये मंदिर. हाँ. और एक बहुत सारे शिवलिंग है यानी ज्योतिर्लिंग के, वो साथ में वो भी दर्शन हम आपको करवाएंगे. तो चलिए आज करते हैं महादेव के दर्शन. तो अभी हम मंदिर के गर्भगृह में एंटर हो चुके हैं और ये है रुन मुक्तेश्वर महादेव. तो ये है रुन मुक्तेश्वर महादेव जी का शिवलिंग.
और आप ये जो शिवलिंग देख रहे हो उसके ऊपर और छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं और ऐसे कुछ 1008 शिवलिंग बने हैं, यानी कि अगर आप इस शिवलिंग पे जल अर्पित करोगे उसके साथ आप एक ही बार में 1008 शिवलिंग पे भी जल अर्पित कर रहे हो। तो ये शिवलिंग की लंबाई कुछ 18 फीट है और इस शिवलिंग का आधे से ज़्यादा भाग भूगर्भ के अंदर है। तो भूगर्भ के अंदर जो शिवलिंग है उसके नीचे एक कलश है जो 5 धातुओं से बनाया गया है और उस कलश में पारा रखा गया है, इट्स मीन मर्क्यूरी आप कह सकते हो, जिसके अंदर 9 नवरत्न, 9 जड़ी बूटी और काफ़ी सारी औषधियाँ रखी गई है इस कलश में। और इसी कलश से इस शिवलिंग को ऊर्जा मिलती है और इस शिवलिंग के दर्शन से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप ये जो वीडियो में डेमो चित्र देख रहे हो, जो डेमो पीस देख रहे हो, वो इस शिवलिंग का है। कुछ इस तरीके से निर्माण हुआ है इस शिवलिंग का, नीचे कलश रखा गया है और वो कलश की ऊर्जा कुछ इस तरीके से शिवलिंग में आती है। एंड इस जगह पे वो आप कलश के भी दर्शन कर पाओगे। आप देख रहे हो पापा मुड़ के वही चीज़ देख रहे हैं, उन लोग ने मिरर रिफ्लेक्शन के द्वारा इस कलश के दर्शन करवाए, तो आप वहाँ पे जाए तो इस कलश के दर्शन जरूर करें। तो इसी मंदिर के अंदर महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किए गए हैं। तो इस मंदिर की एक खासियत है, यहाँ पे आपको महादेव जी के साथ साथ आपको हर एक देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपको सूर्य नारायण जी के दर्शन होते हैं। तो सूर्य नारायण के दर्शन के बाद हमने दर्शन किए गणेश जी के, वो भी उनके परिवार के साथ। और यहाँ पर इन्होंने कार्तिकेय जी की भी प्रतिमा रखी हुई है। और आप ये जो गणेश जी की 8 मूर्तियाँ देख रहे हो उसको अष्ट विनायक दर्शन कहते हैं और ये सारी मूर्तियाँ महाराष्ट्र में आई है। तो गाइस, अगर आपको ये सारी मूर्तियों का दर्शन करना है तो यार कमेंट डाउन में ज़रूर बताना, हम एक ट्रिप निकालेंगे जिसमें हम आपको ये सारी मूर्ति के दर्शन करवाएंगे। तो गाइस एक बात तो है, यहाँ पे आपको हर एक देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ हमने 9 ग्रह देवताओं के भी दर्शन किए, फिर उसके बाद हमने यहाँ दत्तादेव जी के भी दर्शन किए, उसके बाद हमने यहाँ पे विश्वकर्मा जी के भी दर्शन किए, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बालिया देव के भी दर्शन किए, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी के भी दर्शन किए। ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं पे नहीं है तो हमने यहाँ पे ब्रह्मा जी के भी दर्शन किए और ब्रह्मा जी का 4th फेस आप मिरर में रिफ्लेक्शन देख पा रहे होंगे। तो ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद हमने माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती के भी दर्शन किए। और उसके बाद हम आगे श्री नारायण के मंदिर में, जहाँ पे आप श्री नारायण और लक्ष्मी के दर्शन कर पाओगे, साथ में आप राधे कृष्ण जी के दर्शन कर पाओगे और साथ में आप राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी के भी दर्शन कर पाओगे। तो गाइस अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं महादेव जी के दर्शन करके। तो ये मंदिर काफ़ी ही भव्य है और काफ़ी अलौकिक मंदिर है और यहाँ पे आपको हर एक देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। एंड काफ़ी ही भव्य मंदिर है और एना गांव में आया है और ये गांव की भी मैं बात करूँ तो ये एक NRI गांव है, काफ़ी खूबसूरत गांव है और काफ़ी ही NRI गांव है, मतलब आप समझ जाओ NRI का मतलब काफ़ी पैसे वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, सबके यहाँ पे फार्मिंग का बिजनेस है। तो ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।